Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Ayushi Joshi, and you're watching me on the channel of Achivayas. So here it is 6th of October 2020 and we are going to take today's Hindu news analysis. Okay, so let's take it. The first news is based on GST Council. GST Council split on borrowing options. It extends its terms beyond 2022 to meet on October 12. Okay. The GST Council on Monday failed to iron out differences between states ruled by NDA parties and the center over a plan to get the states to borrow from the market to meet an estimated 2.35 rupees lakh crore. Okay. So, shortfall in compensation says collections this year. Basically what it is, GST Council जो है मंडे को यहाँ पे जो है आकर के थोड़ा फेल हो गया, जहाँ पे स्टेट्स ने जो NDA पार्टीज जो हाँ रूल कर रही है, नॉन NDA पार्टीज जहाँ पे रूल कर रही हैं, उनके और स्टेट्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हमें नज़र आया. सॉरी, इट इज़ ऑल अबाउट टू बोरो फ्रॉम द मार्केट टू मीट एन एस्टिमेटेड 2.35 लाख करोड़ शॉर्ट फॉल जो कि देखने को मिला है. उसे बोरो करने की ज़रूरत है, मार्केट से बोरो किया जाना चाहिए. ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. सो कंपनसेशन सेस कलेक्शंस दिस ईयर हैज़ बीन डन एंड इट इज़ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2.35 लाख करोड़ रुपीज़ एंड जी एस टी काउंसिल ऑन मंडे गॉट फेल्ड ऑन इट. ओके, बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज़ जी एस टी काउंसिल. तो कुछ इसके बारे में देख लेते हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बनाई गई है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के गुड्स और सर्विस टैक्स से रिलेटेड इश्यूज को मैनेज करने के लिए, जीएसटी को मैनेज करने के लिए. जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स आर द ऑफ द यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एंड मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स. ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो है इसके अंदर जो पास हुआ था वो 122nd बिल था, मतलब कि 122वें बिल से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 2016 में हुआ है, जिसके थ्रू जीएसटी को इंक्लूड किया गया है. अदर जो टैक्सेस थे उनको रिमूव करके जीएसटी को इंक्लूड किया गया है. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 2016 122nd बिल. ओके, so it was introduced in parliament and passed by Rajya Sabha on 3rd August 2016 and by Lok Sabha on 8th August 2016. Consequent upon this, the Honorable President of India accorded assent on 8th September 2016 and the same was notified as the Constitution 101st Amendment Act 2016. As per Article 279A of the Constitution, 279A(1) of the amended constitution, the GST Council has to be constituted by the President within 60 days of the commencement of Article 279A. Okay, so the notification for bringing into force Article 279A with effect from 17th September 2016 was issued on 10th of September 2016. So it was all about GST Council and what it is, GST जो है वो टैक्स, एक टैक्स लैब्स है जो आपको बताया, सारे टैक्सेस को मिटा करके GST इम्पोज किया गया है 2016 में. तो उससे रिलेटेड जो काउंसिल है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि काउंसिल में सभी लोग स्प्लिट हो गए जब देखा गया कि नॉन एनडीए पार्टीज जो है उनके और सेंटर के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले. ये इशू अभी थोड़े टाइम पहले भी रेज हुआ था कि स्टेट्स का ये कहना था कि हम बोरो क्यों करें, सरकार को हमें मदद करनी चाहिए. और स्पेशली ये जो स्टेटमेंट्स थे ये नॉन एनडीए पार्टीज़ के थे, उन सारे गवर्नमेंट्स के थे जो नॉन एनडीए बेस्ड है ना. तो इस पर बेस्ड ये आर्टिकल था, स्टेट्स टू गेट 45,000 crore रुपीज टू ऑफसेस कलेक्शन एंड IGST ड्यूज बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक. सो हाउ मनी मैटर्स हियर, अ लुक एट सम ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द जीएसटी काउंसिल मीट. एस्टिमेट्स ऑफसेस इनफ्लो शॉर्ट फ्लो फॉर द ईयर ड्यू टू जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन रेज फ्रॉम 97,000 crore से 1,10,000 crore रुपीज़ तक. ये एस्टिमेट जीएसटी ड्यूज जो है वो बढ़ गए हैं.
जीएसटी कंपनसेशन सेस कलेक्शन पीरियड जो है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 2022 तक, जिसके अंदर आप जो है बोरो करके और सेस रीपे कर सकते हैं। ठीक है, डेडलॉक को कंटिन्यू किया गया है। नो कंसेंसस रीचेस टू प्लान टू गेट स्टेट्स टू बोरो टू मीट जीएसटी कंपनसेशन सेस शॉर्टफॉल। ओके, सो वी वोंट डिनाय ड्यूज टू एनी स्टेट एंड बी रेडी, स्टेट्स आर रेडी टू बोरो एंड वी आर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर 2022। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, इमीडिएट फंड्स आर रिक्वायर्ड एंड अकॉर्डिंग टू दिस द ऑल थिंग्स आर हैपनिंग। Now let's take the next article. People's court by election in Madhya Pradesh will likely redefine its politics over the longer terms. The ruling BJP and opposition Congress are face to face in by election in 2028 assembly constituency in Madhya Pradesh scheduled for November 3. Unfortunately, circumstances, death of 3 sitting MLAs and resignation of 25 Congress MLAs have led to these by-elections. By-elections ho rahe hain Madhya Pradesh mein. Unke schedule ko yahan discuss kiya gaya hai. 3rd November ko schedule kiya gaya hai. Unhe 28 assembly constituencies ke basis pe face-to-face by-elections honge. And ruling jo BJP hai aur opposition Congress ke basis par dono aapas mein takkar lenge is elections ke andar. और ये सब क्यों हो रहा है, इस क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजंस है, वो ये है, 3 सिटिंग MLAs की डेथ हो गई है, वहीं पे 25 कांग्रेस MLAs रिजाइन कर चुके हैं। ओके, सो इसी के चलते ये बाय इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं विद इन 2 इयर्स ऑफ द इलेक्शन इन 2018 दैट हैड ब्रॉट द Congress to power with the support of independents and smaller parties. The BJP displaced the Congress in March. BJP ne Congress ko displace kar diya hai March mein. And following the defection of 22 Congress MLA, 22 Congress MLAs ke defection ke baad ye cheez hui. 3 more followed suit in later months. Aur baad mein 3 ne bhi jo hai suit kar diya. सूट किया कर दिया गया तीन को भी। मोस्ट ऑफ दीज 25 आर लाइकली टू एंटर द फ्रे एज बीजेपी कैंडिडेट्स दिस टाइम्स। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इज लीडिंग द बीजेपी कैंपेन। बीजेपी कैंपेन को जो लीड कर रहे हैं वो है चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एंड ही नीड्स टू विन एटलीस्ट 9 सीट्स टू हैव एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द असेंबली ऑफ 230। 230 की जो मेजॉरिटी के बेसिस पर जो पूरा जो सीट्स फिल्ड हैं उसके अंदर से शिवराज सिंह चौहान को एटलीस्ट 9 सीट्स चाहिए विन करने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, द बीजेपी नाउ हैज़ 107 MLAs एंड द कांग्रेस हैज़ 88 MLAs एंड इट नीड्स टू विन ऑल द 28 सीट्स टू रिटर्न टू पावर ऑन इट्स ओन। If it wins 21, then definitely 4 independent MLA, 2 DPSP, sorry, 2 BSP MLA and 1 SP MLA will be in play again. So the BJP has the advantage of being in power at the center and the state. But the Congress led by former CM Kamal Nath is trying to wrest power by drawing attention to its own record over a period of more than a year and failing of the present government. Okay, so ultimately ये पूरा जो आपका पूरा जो दे रखा है यहाँ पे आर्टिकल, ये पूरी तरीके से बेस्ड है इलेक्शन पे, एमपी के इलेक्शंस को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, जिसके अंदर शिवराज सिंह चौहान या हम कह सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुठभेड़ नज़र आ रही है, दोनों के बीच में टक्कर नज़र आ रही है और दोनों के बीच की इस टक्कर के अंदर कौन जीतेगा ये आने वाले 3 नवंबर के बाद पता चल पाएगा। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो है डिस्कस की गई है कोविड-19 के चलते, पेंडेमिक के चलते, सरकार और सरकार की फैमिलीज़ जो है या इंडिविजुअली जो हम कह सकते हैं हर इंसान हर फैमिली को सरकार से कितना लाभ हुआ है, उसके बेसिस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ किस किस सरकार की किस किस पार्टी की बनती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई। अलोंग विथ मिस्टर चौहान मिस सिंधिया टू इज़ फेसिंग अ टेस्ट। मिस सिंधिया जो है वसुंधरा राजे सिंधिया, वो भी काफ़ी मिस्टर सॉरी 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 इट वॉज ऑल अबाउट द सिंधिया, वसुंधरा राजे है बेसिकली, इट वॉज माई मिस्टेक, आई एम सो सॉरी फॉर दैट।
सो मिस्टर चौहान के साथ में मिस्टर सिंधिया भी काफ़ी जो है फेस कर रहे हैं, एंड अलोंग विद दैट नाउ अ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम द बीजेपी ही इज़ होपिंग टू बी इंड्यूस्ड सॉरी इंडक्टेड. हिज एग्जिट हैज़ एंडेड द इन फाइटिंग इन द कांग्रेस एंड ओपन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू पॉलिटिक्स फॉर इट इन द ग्वालियर रीजन. ओके रिगार्डलेसली ऑफ द आउटकम्स रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम्स दीज बाई इलेक्शंस विल सिग्निफाई द रीशेपिंग ऑफ बोथ द कांग्रेस एंड बीजेपी इन एमपी. बीजेपी में सॉरी एमपी के अंदर जो बीजेपी और कांग्रेस है इन दोनों को वो जो है हम कह सकते हैं कि रीशेप किया जाएगा, री आइडेंटिफाई किया जाएगा, एंड लेट्स सी क्या होता है दोनों पार्टीज के बीच में. बट अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कांटे की टक्कर है और 3 नवंबर के बाद पता चल पाएगा कि कौन सी पार्टी किस लेवल पे लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती है और किस लेवल पे लोगों को किस पार्टी से कितनी उम्मीदें हैं. ठीक है, लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट आर्टिकल. इट इज़ अबाउट पेंडेमिक. पेंडेमिक पीक इज़ ऑन हेयर. द इकोनॉमी नीड्स टू बी अनलॉक्ड विथ कॉशन विदाउट रीस्टोर और टू इरेशनल ऑप्टिमिज्म. इकोनॉमी जो है उसे अनलॉक करने की ज़रूरत है और लेकिन बहुत प्रिकॉशंस और कॉशन के साथ में. बट अल्टीमेटली वी कैन से केसेस आर ऑन पीक एंड इट इज़ समवेयर यू नो. ओके या आई कैन से दिस बिकॉज इन हेयर इन माई सिटी कंडीशन इज़ टू वर्स्ट एंड आई कैन से डेथ्स आर ऑल्सो हैपनिंग एंड लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट. द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन अ रिपोर्ट सेड दैट व्हाइल द पेंडेमिक वॉज फार फ्रॉम ओवर इन इंडिया द कंट्री मे बी पास्ट इट इट्स पीक. हम अपनी पीक लेवल की क्षमता जो है COVID-19 को हैंडल लोड करने की केसेस लोड होने की वो हम एटलीस्ट क्रॉस कर चुके हैं. हम इस लेवल पर जा चुके हैं COVID-19 के केसेस में. लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि अब हमें जो है हमारी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए कंटिन्यू करना होगा. इट प्रिमाइज्ड दिस ऑन अ डिक्लाइनिंग केस लोड फ्रॉम September 17 to 30 व्हेन द डेली पॉजिटिव केसेस डिप्ड फ्रॉम 90,000 टू 83,000 अ डे. ओके इट वॉज ऑफ 17 to 30 September. सो दिस अलोंग विथ एन इंक्रीज इन टेस्टिंग हैड लेड टू अ फॉलिंग टेस्ट पॉजिटिव एंड सो वॉज अ साइन दैट इंडिया ऑट टू बी फर्दर फ्रीइंग अप इट्स इकोनॉमी. द पेंडेमिक बींग पास्ट इट्स पीक इन इंडिया इज इरेशनल ऑप्टिमिज्म. Last week, the chief of the India Council of Medical Research, while announcing the result of the second All India Serological Survey, said only 7% of Indians has been exposed to the virus. So, Health Minister, too, referencing the same survey, said that India was far from any sort of herd immunity. So the decline from 90,000 cases and day to around 75,000 for over a fortnight is certainly welcome but can be deceptive. In the United States, daily cases steadily plummeted from 70,000 in July to 24,000 in September to ascend again to 50,000 this week. India's test positive is declining but not substantially. On September 23, it was 8.52% and as on October 4, had fallen to 8.29%, an improvement but not close to the World Health Organization suggested safety barriers of less than 5%. So we have to go through the safety barriers. मैं फिर आपको बता रही हूँ. पेंडेमिक अपने पीक पर है, सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और जो एक्टिविटीज़ है गवर्नमेंट की, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, वो कंटिन्यू की जा रही है. लेकिन अल्टीमेटली वी नो वेरी वेल दैट हाउ दिस पर्टिकुलर पेंडेमिक इज़ इफेक्टिंग द पीपल. ओके सो बी सेफ, बी अवेयर, बी सिक्योर एट योर होम बिकॉज इट विल डेफिनेटली be destroyed, your life will be destroyed because somewhere economy can be gained, economy, money, everything can be gained, but ultimately the lives cannot be gained. So don't forget to go through it and definitely just take it and keep it in your mind that definitely you have to be secure and safe at your own
persistence. Okay, and you have to be you know, it is also you know, it is also very tensing opportunity, tensing scene when the government is opening the chance, or government is opening the schools at all, education institutes are opening. So ultimately it is a moment that cases are on peak and death cases are also coming out, and we have to be secure, we have to be alert, we have to be aware at our own scenario, you know, or at our own, so be aware and stay at home. Please follow the security measures and don't forget to go through the security measures at all. The next is reimagining education in an India at 100. In 2047, a teacher's role based on 5 principles will be to oversee the transformative rebirth of citizens. After 34 years, India... Just a minute. Okay. Yeah. After 34 years, India rekindled the conversation on its National Education Policy, NEP, launch ki gayi hai 2020 mein. After 34 years, a new education policy has been launched. A policy is as good as it is actualized in practice, and it would be ideal to explore the counters of national education practices leading to 2047, when politically independent India becomes 100 years old. From a teacher's perspective, the next education practices can be viewed through the following 5 design principles. So what are the 5 design principles that will be followed or that will be viewed in new education or next education practice? To excel is key. Somewhere autonomy, currently the claimer, the autonomy is in education practices is a mixed bag of pretentious idealism and hard-nosed practicality. The Indian Institute of Management, that is IIM Bill 2017, granting autonomy to the IIMs has now become an act. Okay, so it is all about autonomy. The next will be technology-rich setting. It means learning. In 2047, 6 billion people in the world would constitute the middle class. With little money but with enormous hunger for learning, they will define the learner base for a networked global university system. Okay, so it is all about the technology, and it is all about all those peoples who are from middle class, and that they will definitely be constituted the world in 2047. Okay, the next will be trans, that is coherence across fields, disciplinary. The National Education Policy roots for multidisciplinary institution rather than standalone schools ke bajaye jo hai multidisciplinary institutions ko jo hai zyada gehrati hai National Education Policy. To aaj ke scenario ko dekhte hue, 2047 ko dekhte hue, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो है जो रूट्स है उसको फोकस करेगी, ना कि स्कूलिंग सिस्टम को, है ना, और एजुकेशन पर, नॉलेज पर बल दिया जाएगा, ना कि फर्दर एक्टिविटीज़ पर और उन सारी चीज़ों को जो कि इन डिसिप्लिनरी है. ओके, सो इट विल बी डेफिनेटली अ ट्रांस डिसिप्लिनरी सिस्टम विच विल बी सीन इन 2047. The next is all about technology innovation, that is based on the school. School as a connecting hub, school will be a connecting hub, technology innovation will be there. Technology-led innovation will take learning from cognition of immersion. The content of knowledge has evolved from text that had to be cognized to include visual, okay, audio and tactical immersive experiences, and traditionally students of professional courses learnt through the field and factory visits. Today it is possible for a factory experience to be simulated in the class. Now a leading global
engineering campaigning, that is ABB, is using virtual reality to stimulate a factory experience inside a school. Okay, and the last is values, mindset, and about culture. So definitely this particular education policy or the coming future will definitely focus the values, mindset, and culture of the students, and Indian teachers will be engaged in nurturing global mindsets based on three classical values of India. Okay, that is Satyam, Nityam, and Purnam. So mindset will be based on how learners received information and not what informations they receive. Unhone kya information gain ki hai, this is not the matter. The thing will be how learners receive the education or the information. Okay, so let's see, it is all about reimagination of education in an India at 100, and let's see what will be the next transformation we will see and what will be the transformation of citizens or rebirth of citizens about. Okay, so it is all about the five principles that is based on the teacher's role in 2047. It is such a very, very good article. You should go for it, and definitely the question will come from NEP, and if it will come according to education system in mains or something else, then you will definitely be able to write if you will go through particular this article. Okay, the next is about Farms Act. Okay, Farm Acts, it is unwanted constitutional adventurism. You know very well that Farms Acts has been in news, and this was introduced before few days, right? So farm acts जो है वो जो लॉन्च किए गए हैं काफ़ी ज़्यादा मुद्दे में रहा है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है. तो आप मुझे इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ के बताएंगे कि इस आर्टिकल में फार्म एक्ट से रिलेटेड क्या दिया हुआ है. देखिए, फार्म एक्ट को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. अब इस आर्टिकल में ऑथर क्या कहना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. देर इज़ अ केस टू आर्ग्यू दैट द थ्री एक्ट्स हैव पुअर लीगल वैलिडिटी. ये जो तीन एक्ट पास किए गए हैं फार्म्स एक्ट के तहत, ये अपने आप में एक पुअर लीगल एक्टिविटी है, ऐसा कहना है लोगों का. ऐसा एक केस सामने आया है, मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वीकन फेडरलिज्म, इसे प्रूव किया गया है वीकन फेडरलिज्म और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में. ओके, सो व्हाट विल बी द इशू, व्हाट इज द इशू, व्हाट विल बी द अमेंडमेंट एंड डिसेंट अकॉर्डिंगली, एंड व्हाट द जुडिशरी सेड ऑन दिस बिल. ओके, क्यों न्यूज़ में है, क्या है इसका मुद्दा, क्या है, ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब इसके ऊपर एक फार्म्स बिल के ऊपर सेपरेटली वीडियो भी आपके सामने लाया जाएगा, फार्म्स एक्ट के ऊपर, कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या इशू है, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, सो यू आर गोइंग टू टेक इट विथ यू. सो द नेक्स्ट इज ट्रू नॉलेज एग्जिस्ट इन नोइंग दैट यू नो नथिंग. हमेशा ये सोच कर चलिए कि आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप सामने पड़ी चीज़ को बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उस नॉलेज को गेन कर सकते हैं जो आपके सामने है, अवेलेबल है और आपको लेना है. लेकिन अगर आपने माइंड में ये सेट कर लिया कि मेरे को सब कुछ आता है, तो आप उस सामने पड़े नॉलेज को भी नहीं ले पाएंगे, और आपको जो आधा अधूरा नॉलेज है उस पर बेस्ड आपका नॉलेज भी वर्क नहीं कर पाएगा. सो ऑलवेज थिंक लाइक दैट, अगर आप में एक्चुअल नॉलेज है तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि आपको सब कुछ आता है. एक्चुअली नॉलेज इज़ दैट यू डोंट नो एनीथिंग. आई मीन आई कैन से यू नो नथिंग. ओके, सो डेफिनेटली दिस इज़ द ट्रू नॉलेज दैट विल एग्जिस्ट, एंड डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग. वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस फार्म्स एक्ट इन अ सेपरेट वीडियो, बट you are going to tell me that what it is and why it is in news and what is the consequences or the reasons behind this and what will the effect of these bills on other peoples or farmers. Okay, so it is all about it. The next, उसके अलावा हमने जितने भी articles हैं उनको बहुत अच्छे से discuss कर लिया है. आप articles को पढ़िए, समझिए, आपको चीज़ें समझ में आएगी, जिससे कि आप mains में भी easily answer write up कर पाएंगे, और जो prelims के लिए prepare कर रहे हैं उनके लिए तो important है ही है. okay, so don't forget to go through all these articles, just read all these articles. The Hindu newspaper daily basis पे पढ़िए, because ये आपके exam के लिए बहुत important हो जाता है. और जो अभी recent हमने जो exam देखा है 2020 का, यूपी
सी प्रीलिम्स 4 अक्टूबर, उसको देखते हुए लगता है कि अब आप अगर द हिंदू को नहीं पढ़ रहे तो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है. इफ़ यू आर एस्पिरेंट देन यू शुड गो फॉर इट. ओके सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, सी यू सून, बी सेफ, बी एट होम, एंड जितना हो सकता है कम घर से बाहर निकलिए, कोशिश कीजिए खुद को सेफ और सिक्योर रखने की. बाय बाय, टेक केयर.